अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर ये जो 3 है कि v इज इक्वल टू माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर v नॉट, अब v को आप लिख सकते हैं dr ओवर dt इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास dr ओवर dt किसके इक्वल आ गया, v नॉट माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर। dr को अकेला कर लेंगे, dt दोनों तरफ ले जाएंगे। उसके बाद जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो dr की जगह r आ जाएगा, यहाँ v नॉट t आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे यूनिट वैक्टर प्लस ए टू जो है वो कांस्टेंट है। ए टू हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसके इनिशियल वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल वैल्यू जब टाइम ज़ीरो था तो आपके पास r इज इक्वल टू आर नॉट था, तो आप जब ये सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर नॉट आपके पास ए टू के इक्वल आ गया। अब ए टू की जगह हम आर नॉट लिख देंगे और आर इज इक्वल टू आ गया आर नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे यूनिट वेक्टर। अब उसी तरह हम कम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आर एक्स को हम एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह आर नॉट को एक्स नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई नॉट जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। वी नॉट का भी एक हम हॉरिजेंटल कम्पोनेंट लिखेंगे और एक वर्टिकल कम्पोनेंट लिखेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा। अब सबको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे आई यूनिट वेक्टर के साथ आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के साथ जे यूनिट वेक्टर। तो आई वाले कौन से हैं ये देखें, एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स नॉट आई, ये था इसके साथ आई था और इसके साथ आई था, तो एक्स नॉट प्लस वी नॉट कॉस थीटा टी। और इसी तरह इसके आपके पास आप इसको लिख सकते हो, x नॉट इधर ले जाओगे तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी आ जाएगा। और y आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। वाई नॉट को इधर ले जाएंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर आ गया। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वो आपको पता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ज़ीरो था, एक्स नॉट भी ज़ीरो था और वाई नॉट यानी इनिशियल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो था। तो ये जब हम ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी और वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इक्वेशन ऑफ द पाथ और ट्रैजेक्ट्री इक्वेशन आपने अगर निकालनी है तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा। अब ये टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह हमने एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा डाल दिया, यहाँ भी टी की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी, तो वाई आ गया आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा हो गया, वी नॉट से कैंसिल हो गया माइनस हाफ। इसी तरह एक्स स्क्वेयर को एक साइड पे ले गए और सारी वैल्यूज आ गए। तो ये इक्वेशन अगर पैराबोला की इक्वेशन आप देखें तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर होता है, जिसमें ए हमारे पास टेन थीटा है और बी हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये तकरीबन इक्वेशन हो तो पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस गिव्स द ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, इससे हमारा ये प्रूफ हुआ कि आपकी जो ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की वो पैराबोला है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपने ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मालूम करना है तो आपने क्वेश्चन यहाँ तक करना है, लेकिन अगर आपको ये आता है कि आपने टाइम मालूम करना है या टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है और हॉरिजेंटल रेंज मालूम करनी है या हाइट मालूम करनी है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप भी करोगे। अगर सिर्फ ये आता है कि ये भी करोगे और नेक्स्ट भी करोगे, अगर सिर्फ ये आता है कि ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल मालूम करना है तो फिर आप यहाँ तक करोगे। नेक्स्ट है आपके पास इसी का टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये वाली हाइट है आपके पास, यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी पीछे आपने पढ़ा है कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी था, टाइम के साथ एम लिख दिया है यानी मैक्सिमम टाइम कितना होगा। वर्टिकल जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे रुक जाएगा, वर्टिकली ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी यानी बिल्कुल हॉरिजेंटल पे आ गई है। तो वी वाई ज़ीरो हो गया आपके पास और वी नॉट
जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम, टी एम हम अकेला कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का ये मतलब है कि दोबारा ग्राउंड में वापस आ गया, टोटल उसकी फ्लाइट का टाइम। तो ये आपके पास इसमें आप जब वापस ज़मीन पर आएगा तो उसकी वर्टिकल हाइट यानी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब y आपके पास क्या था, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई ज़ीरो हो गए। और आपके पास इक्वेशन ये आई, इक्वेशन में इसका मतलब है या तो टाइम ज़ीरो है या ये चीज़ ज़ीरो है, तो टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता तो ये चीज़ ज़ीरो हम ले लेंगे, तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। और यहाँ से आप आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इज़ इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अब हॉरिजेंटल रेंज आपके पास क्या आती है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। टाइम हम निकाल चुके हैं, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी है। अब आप एक्स की जगह आर लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू वी टी, आपको पता है ना v इज इक्वल टू एक्स ओवर टी होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। और x की जगह हम r लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्योंकि मालूम करना है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो वी एक्स लिखेंगे और t लिख देंगे। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी नॉट कॉस थीटा है। टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वी नॉट आपके पास टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी है। अब ये आपके पास वी नॉट स्क्वायर हो गया, टू आ गया, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तो दैट इज़ इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा आ गया। अब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज आपने मालूम करनी है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज आप कैसे मालूम करेंगे, जब साइन टू थीटा जो है वो मैक्सिमम आएगा। साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, और वो कब होती है, जब टू थीटा जो है वो 90 का हो, यानी इस साइन 90 जो है वो वन होता है, तो टू थीटा इज़ इक्वल टू 90, थीटा इज़ इक्वल टू 45 हो गया, यानी हम थीटे की जगह 45 लिख देंगे, तो साइन 91 हो जाएगा और मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब मैक्सिमम हाइट आपके पास क्या आई, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंस द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट, यानी जितनी हाइट इसने यहाँ से यहाँ तक कवर की है। ये मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे जाके जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पे होता है, तो वी वाई ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको पता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होता है। अगर हम यहाँ वी वाई स्क्वायर लिख दें माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर माइनस टू जी एस की जगह वाई मैक्सिमम आ जाएगा, बट वी वाई ज़ीरो हो गया और ये वी नॉट साइन इनिशियल वी नॉट साइन थीटा हो गया और माइनस टू जी वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम की जगह हम एच लिख देंगे, ठीक है। वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू हाइट दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा ओवर टू जी। अब इफेक्ट ऑफ एयर इसमें हमारे पास ये है कि वी हैव अज्यूम दैट एट लो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एयर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट्स मोशन। एट हाई स्पीड आपको पता है अगर स्लो थोड़ी दूर तक फेंका है आपने और लो स्पीड रखी है तो एयर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हाई स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो एयर रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज है, सो बोथ रेंज और हाइट जो है वो दोनों ही कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे।